वेलकम टू माई किचन गाइज, माई नेम इज़ सोनम। आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें मैं वीडियोस बनाऊंगी कि आप कैसे अपने घर में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं इजीली और सब्जियाँ अवेलेबल होती हैं, उनसे आप कैसे होममेड फूड अच्छा बना सकते हैं। तो मैं अपनी जो वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ चैनल की, वो मैं करने जा रही हूँ सूजी के हलवे के साथ। सूजी का हलवा एक अच्छी चीज़ मानी जाती है किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट माय सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि सूजी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शुगर मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू एंड बादाम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देसी घी। इसके बिना तो देसी घी के बिना तो आप हलवा मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। एंड थोड़ा मैंने लिया है यहाँ पे पानी, जिससे मैं चाशनी बनाऊँगी। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे देसी घी के हलवे की। सो गाइज, मैंने अपनी कढ़ाई थोड़ी प्री हीट पर रखी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 पर है ये, बट मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। एंड उसके बाद मैं फ्राई करने वाली हूँ ये ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर फ्राई करके डाले जाएँ तो काफ़ी क्रंच फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट करते हैं ये। तो गाइस, अभी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितना डालना है। आई थिंक फ्राई करने के लिए इतना घी बहुत है। इसको थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या क्या ड्राई फ्रूट्स में डालना चाहते हैं। मेरे पास सिर्फ अभी काजू एंड बादाम अवेलेबल थे, तो मैं सिर्फ वही डाल रही हूँ। अगर आपके पास किशमिश अवेलेबल है तो आप वो भी डालिएगा, उससे काफ़ी अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। मैं गैस को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, बट मैं इसको जलाऊँगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं काफ़ी ना कम आँच पर ही इसको सेकने दूँ। थोड़ा इसको हम स्टर कर लेते हैं। तो ये मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे गाइस फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम फिर करेंगे, तो बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, मुझे इनको जलाना नहीं है, अदरवाइज ये काफ़ी ख़राब टेस्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। नाउ गाइस, मैं इसमें और घी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अब अपनी सूजी भूननी है। तो मैं इसमें कम से कम 2 स्पून घी में डाल रही हूँ। 2 नहीं, 2 काफ़ी कम हो जाएगा, मैं 1 स्पून और डाल देती हूँ। बाकी अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि कढ़ाई ऑलरेडी ही प्री हीट थी, तो मेरा घी डालते ही गर्म हो गया है। मैं इसमें सूजी डालना शुरू करती हूँ और मैं अब इसको मिक्स करना शुरू करती हूँ। गाइस, ध्यान रखिएगा कि अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो आपको इसको बस चलाते रहना है, आप इसको 1 भी मिनट के लिए छोड़ना मत। अदरवाइज़ क्या है कि सूजी नीचे लग सकती है, और सूजी नीचे लग गई तो वो जल जाएगी और काफ़ी ख़राब टेस्ट करेगी। तो इसको बस हमें चलाते जाना है। अभी मैं गैस थोड़ी तेज कर देती हूँ ताकि जल्दी से सूजी पक जाए। आप घी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको लगता है कि घी आपको ज़्यादा खाना है या कम खाना है, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना भी घी ऐड कर सकते हैं।
गाइस, तो अभी मैंने जो गैस है ये एक पे कर दी है। बिकॉज क्या है, ये गैस काफ़ी तेज चलती है तो एकदम से जलने का खतरा है, तो इसीलिए मैं इसको कम पे कर दिया है। कम पे ही करके हम इसको पकाते रहेंगे। बट आप इसको मॉडरेट भी कर सकते हैं, आपको जब लगे कि थोड़ा टाइम लग रहा है तो तेज़ कर दो, जब लग रहा है कि टाइम है और कि सूजी पक रही है तो आप गैस को कम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको दो पर ही पकाऊंगी। गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको दूसरी रेसिपी किस चीज़ की देखनी है, किस चीज़ की मैं रेसिपी डालूँ। लाइक जो भी आप लोग कमेंट में डालोगे उसमें से मैं एक चीज़ पिक करूँगी और मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट रेसिपी डालूँ और आप जो भी मेरी वो रेसिपी देख के खाना बनाएं उसको वो काफ़ी पसंद आए। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में डालना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू। तो अभी मेरी जो एंड गाइस, वन मोर थिंग, मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा कम है तो मैं इसमें 1 स्पून और 2 स्पून ऑलमोस्ट घी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा देसी घी हलवे में होता है सूजी के उतना ज़्यादा हलवा टेस्टी बनता है। तो मतलब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घी खाना पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा घी का खाना है या कम घी का खाना है, वो आप देख लीजिए। बिकॉज हेल्थ भी मैटर करती है, तो इट्स अप टू यू। बट ये है कि हम कभी कभी हलवा खाते हैं तो थोड़ा देसी घी चलता है। देसी घी वैसे भी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो अभी सूजी मेरी थोड़ा टाइम ले रही है पकने में। इसलिए मैंने गैस को थोड़ा तेज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से पक जाए। मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है गाइस क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक गैस पे बना रही हूँ। अगर मैं गैस पे बना रही होती तो मेरे पास ये बहुत देर पहले ये मेरे पास ये जो सूजी है वो पक चुकी होती। बट कोई नहीं, हम इलेक्ट्रिक पे ही बनाएंगे। सो गाइस, मेरी सूजी अभी पक चुकी है, आपको कलर से भी पता चल रहा होगा। तो अब हम इस सूजी को हटा देते हैं गैस से क्योंकि हमें चाशनी भी बनानी है। तो हम इसको हटा के चाशनी रेडी करते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ गैस से एंड आई एम पुटिंग इट असाइड। चाशनी बनाने के लिए हमें पानी लेना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आपको कितना उसको हलवे को मतलब पानी देना है, लूज़ कर रखना है या फिर उसको थोड़ा टाइट रखना है हलवे को। तो मैं इतना पानी रख रही हूँ एंड आई थिंक मुझे थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर देना चाहिए। मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, इतना पानी इनफ है। एंड नाउ मैं ये चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने ब्राउन शुगर ली है। तो आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी बट ब्राउन शुगर में थोड़ी मिठास कम होती है, तो मैं इसलिए सारी डाल रही हूँ। एंड मुझे लगता है गाइस कि मुझे थोड़ा और पानी डाल देना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी सारा पानी यूज़ करना है, सारी चाशनी यूज़ करनी है, तो मैं करूँगी। अदरवाइज मैं जो भी बचेगा उसकी हम चाय कॉफ़ी बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ये पानी में शुगर डाल के रख दिया है। मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देती हूँ।
और फिर हम इसको हलवे के अंदर डालेंगे। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको चाशनी कितनी थिक चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको पकाइएगा। सो गाइस हमारी चाशनी जो है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। मैं इसको हटा के वापस से कढ़ाई गैस पे ले आती हूँ। अब हम इसमें चाशनी को डालेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप चाशनी डालें तो अपना हलवा जो है वो चलाते रहें, उसको छोड़े ना। तो मैं अब चाशनी को हलवे के अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा केयरफुल होके इसको डालिएगा। मैं गैस तेज कर देती हूँ क्योंकि अब ये मेरा हलवा जो है पकेगा। याद रखिएगा कि जब भी आप चाशनी सूजी के अंदर डालें तो गैस उस टाइम पे थोड़ा तेज कर दीजिएगा। मैं बाकी की भी चाशनी इसके अंदर डाल रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे डाल देनी चाहिए। एंड मैंने गैस थोड़ी इसमें तेज कर दी है। हम इसको तेज गैस पे पकने देते हैं। आप इसको कंटिन्यूअस चलाते रहिएगा, उससे क्या है कि हमारे जो हलवे की जो सूजी पकड़ेगी पानी को वो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो गाइस अभी देख रहे हो आप, मैंने इसमें चाशनी जो है वो हमारी डाल दी है और मैं इसको धीमे गैस पे बस कंटिन्यू चला ही जा रही हूँ। तो अभी देखते हैं हमारा कैसा हलवा बनके रेडी होता है। चाशनी जब भी आप डालो तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल होके डालना, जिससे आपके ऊपर छींट ना आए गरम पानी की, गरम चाशनी की। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना भी। मैं इसको धीमी आंच पे पका रही हूँ, उससे क्या होगा कि हलवा जो है उसमें टेक्सचर और कलर अच्छे से आएगा और जो हमारी सूजी है वो भी अच्छे से पक जाएगी। सो गाइस अभी भी मेरा हलवा धीमी आंच पे पक रहा है और जैसे कि आप कलर वाइज देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी वो खाकर पता चलेगा कि कैसा टेस्ट कर रहा है, बट अभी मुझे इसको थोड़ा देर और पकाना है तो मैं इसे से 5-10 मिनट और पकाने वाली हूँ धीमी आंच पर। उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। जब आप इस हलवे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाए। मैंने थोड़ा घी और ऐड किया है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितना ऐड करना चाहते हैं, कब कब ऐड करना चाहते हैं। आप घी तब भी ऐड कर सकते हैं जब आप इसको सर्व करेंगे, तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो गाइस ये मेरा जो हलवा है ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है और मैं इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ऐड कर रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो मेरा जो हलवा है कुछ इस तरह से लग रहा है।
आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि मैं अभी यहाँ पे गैस बंद कर रही हूँ और मैं अब आपको इसको सर्व करके कटोरी में दिखाऊंगी कि मैं ये, और खाकर भी बताऊंगी कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। सो गाइस, अभी मैं इसको सर्व करने के लिए कटोरी में डाल रही हूँ। आई थिंक मुझे दूसरी स्पून लेनी चाहिए, तो मैंने सर्विंग स्पून ले ली है और मैं इससे इसको यहाँ पे डाल रही हूँ। एंड लेट्स सी गाइस कि हमारा जो हलवा है कैसा टेस्ट करता है। बट पहले मैं थोड़ा भगवान के लिए निकाल रही हूँ, थैंक यू गॉड। अब मैं आप इसको खाकर बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि ये कैसा लग रहा है देखने में। सो गाइस, हलवा तो मेरा काफ़ी अच्छा बना है। जितनी मुझे शुगर चाहिए थी, जितना घी चाहिए था, सब कुछ वैसा ही है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके सूजी का हलवा बनाया और वो कैसा टेस्ट किया। एंड ऑल्सो गाइज, माई रिक्वेस्ट टू यू, एज़ दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप आगे कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं, किस चीज़ की रेसिपी जानना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट में करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बनाऊंगी और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी की लेकर आऊंगी। सो एंड गाइज, माय रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।